चौधरी ने कहा कि पिछले चुनाव की तरह तीनों उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत होगी। अखिलेश यादव भले ही परिवार को एक कर ले, लेकिन जनता भाजपा के ही साथ है। यूपी में भाई इलेक्शन करीब है, इसको लेकर सभी पार्टियां अपने सब तैयारी कर रही हैं। कल हमने देखा बीजेपी के उम्मीदवार जो उन्होंने नामांकन किया, इस वक्त पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भाई इलेक्शन तीनों सीट पर है, सर दो सीटें समाजवादी पार्टी के गन में रही है, लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि आप तरफ से भी तैयारी हो रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी की है। हम अपने रणनीति बनाकर हमने अपने सभी लोगों से, अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से सबसे बातचीत करके हमारे केंद्रीय चुनाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रत्याशी को ऐलान किया है और सभी प्रत्याशी हमारे जनता के बीच के हैं। जनता में के बीच में उनकी सक्रियता है, लंबे समय से सब लोग जनता के बीच में हैं। और अखिलेश जी कहीं प्रचार करने नहीं गए थे, लेकिन अब चूंकि उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, उन धर्मपत्नी के लिए वो घर घर प्रचार भी करेंगे। और अपना जो पुराना सिद्धांत है कि हमारी नीति है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रचार, अखिलेश जी प्रचार करने नहीं जाएंगे, घर घर प्रचार करने भी जाएंगे, अब चाचा जी को मनाने भी जाएंगे और घर घर घूमेंगे, क्योंकि वो जनता का मूड भांप चुके हैं और जनता वहाँ की मन बना चुकी है कि इस बार इतिहास बदलना है। मुलायम सिंह जी के जीवन के रहते जो चीज़ नहीं हो पाई, अब निश्चित रूप से मुलायम सिंह जी ने जो सीट छोड़ी है उसे भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। अब रघुराज साग के बड़े अंतर से मैनपुरी का लोकसभा चुनाव जीते। साफ तौर से सबका कहना है कि बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी किसी भी हक में पाए, लेकिन जीत बीजेपी की होगी। लगभग सती संघर्ष इंडिया न्यूज़।